भी हुआ 0.0 पे, तो चलिए धीरे धीरे। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो के लिए मैं आया हूँ अपने जमशेदपुर के न्यू वेब बजाज के गोडाउन में, क्योंकि दोस्तों मुझे चाहिए था आप लोगों के लिए फ्रीडम का डिस्क पेरेंट, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं सामने खड़ा है। और आज मैं करने वाला हूँ इस बाइक के पेट्रोल में फुल टैंक करके इसका सिंगल राइड में सिटी माइलेज टेस्ट, जिससे आपको पता चल पाएगा कि पेट्रोल में अगर आप इस बाइक को राइड करते हैं तो सिटी में कितना माइलेज मिलेगा। माइलेज टेस्ट में चलने से दोस्तों पहले आपको मैं इसका फ्यूल टैंक दिखा रहा हूँ। आप देखिए इसका जो फ्यूल टैंक है, हमने यहीं पर पेट्रोल डाल के इसे फुल कर दिया है, आपको नजर आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर है इसका पेट्रोल, आप देख पा रहे हैं। तो माइलेज टेस्ट के बाद इसमें फिर से पेट्रोल पंप में जाकर पेट्रोल को फुल करेंगे। और निकलने से पहले माइलेज टेस्ट में आपको इसका ऑडोमीटर और ट्रिप भी दिखा देता हूँ। अभी आप देख रहे हैं मैं गोडाउन से इस बाइक को लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पर इसके ऑडोमीटर में आप देख रहे हैं रीडिंग है 1, और इसका जो ट्रिप है वो भी दिखा देता हूँ। आप देखिए इसका ट्रिप 1 और ट्रिप 2 0.0 पे है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं माइलेज टेस्ट पर। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं माइलेज टेस्ट पर। और अभी आपको मैं पहले दिखा रहा हूँ, मैं इसे CNG में कर रहा हूँ, आपको नज़र आएगा। और मैंने CNG का जो नीचे में वॉल है उसे मैंने बंद कर दिया, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और अब मैं आपको सेल्फ लेकर दिखा रहा हूँ, आप देखिए CNG में बाइक स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। एक बार और ट्राई करते हैं। तो आपने देखा CNG में बाइक नहीं चल पा रहा है। अब मैं इसे पेट्रोल में कर रहा हूँ, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। और एक बार मैं की बंद करके ऑन करता हूँ, जिससे फ्यूल पंप से पेट्रोल चल जाएगा फ्यूल। तो आपने देखा पेट्रोल में बाइक स्टार्ट हो चुका है, और आपको मैं ऑडोमीटर और ट्रिप दिखा चुका हूँ। तो चलिए चलते हैं माइलेज टेस्ट पर। अभी हम हाईवे में हैं दोस्तों, सिटी में इन करेंगे। I used to be like that, way back then. I was way back then. My head breaks back.
फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं पेट्रोल पंप में। सबसे पहले मैं आपको ऑडोमीटर दिखाता हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं इसके ऑडोमीटर में रीडिंग 45, जब निकले थे तब रीडिंग था 1, और अभी इसके ट्रिप में रीडिंग है 44.1 और ट्रिप 2 में भी रीडिंग है 44.1। तो चलिए इसके फ्यूल टैंक को फुल करते हैं पेट्रोल में। तो आप देख रहे हैं दोस्तों रीडिंग अभी 0.0 पे आपको नज़र आ रहा है, और अब इसमें पेट्रोल डालते हैं। आपने देखा अभी हुआ 0.0 पे, तो चलिए धीरे धीरे डालना है। इसमें हाफ लीटर से ज़्यादा पेट्रोल नहीं आएगा मेरा अंदाज़ा है। तो आप देख रहे हैं टैंक पहले से ज़्यादा ही भर चुका है दोस्तों, और इसमें अभी पेट्रोल डाला है जैसा कि आप देख रहे हैं 0.80, मतलब कि 800 ml पेट्रोल डाला है और अमाउंट है 78.20। तो फाइनली अब मैं दोस्तों आ चुका हूँ न्यू वे बजाज में शोरूम कैटेगरी। कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। और आज के वीडियो में आप सभी ने देखा कि हमने माइलेज टेस्ट किया है फ्रीडम 125 का फुल टैंक मेथड में पेट्रोल का, और आपने देखा था कि जब मैं माइलेज टेस्ट के लिए निकल रहा था मैंने इसके फ्यूल टैंक को फुल कर दिया था। और माइलेज टेस्ट करते समय जब मैं इस बाइक को राइड कर रहा था तो आपने देखा कि मैंने इसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में से राइड किया है, करीब 4.5 किलोमीटर तक मतलब फुल ट्रैफिक था। इसके बाद जहाँ पर ट्रैफिक नहीं था वहाँ पर मैंने बाइक का स्पीड 50-55 किलोमीटर पर आवर रखा था, और फाइनली जब मैंने इसे 44.1 किलोमीटर राइड कर लिया तब मैं पेट्रोल पंप में था, और जब मैंने पेट्रोल फुल कराया इसके फ्यूल टैंक को तो आपने देखा उसमें पेट्रोल डाला 0.80, मतलब कि 800 ml पेट्रोल डाला इसके फ्यूल टैंक में, और मैंने बाइक को राइड किया था 44.1। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे आज हमें इस बाइक में सिंगल राइड में सिटी में माइलेज मिला है 55 km/h का। जो देखा जाए तो बिल्कुल न्यू बाइक के हिसाब से बहुत ही अच्छा माइलेज है, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि ये बाइक बिल्कुल न्यू है, और आपने देखा था कि मैंने इसे न्यू वेब बजाज के गोडाउन से लेके निकला था माइलेज टेस्ट के लिए। तो मेरा मानना है कि इस बाइक के आफ्टर सेकंड थर्ड सर्विस आप अगर इस बाइक को आराम से राइड करेंगे तो इस बाइक में आपको 55 से 60 के बीच में जरूर माइलेज देखने को मिलेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस बाइक का जो वेट है काफ़ी ज़्यादा है। वेबसाइट में अगर आप चेक करेंगे तो आपको इस बाइक का वेट बताया नहीं गया है, और मेरा अंदाजा है कि इस बाइक का वेट आपको पल्सर 125 और NS 125 से इसका वेट थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा, करीब करीब 150 kg से थोड़ा कम इसका कर्व वेट है। तो वेट की वजह से भी इस बाइक का थोड़ा सा माइलेज आपको कम देखने को मिलता है। और एक बात बोलना चाहूँगा कि आज मैंने इसे पहली बार राइड किया था 44.1 किलोमीटर आज मैंने इसे राइड किया है, और मैंने जो इसे राइड किया जो मुझे महसूस हुआ वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस बाइक में दोस्तों आपको जो 125 cc का इंजन मिलता है, राइड करते समय आपको इस बाइक का इंजन बहुत ही स्मूथ और बहुत ही रिफाइंड महसूस होगा, साथ ही इसमें आपको काफ़ी अच्छा पिकअप महसूस होगा। और इस बाइक को राइड करते समय ट्रैफिक में बाइक का जो क्लच और गियर लीवर है वो भी आपको बहुत ही लाइट महसूस होगा। तो आप किसी ऐसे जगह में रहते हैं जहां सिटी में हमेशा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है तो उनके लिए भी ये बाइक दोस्तों काफ़ी बेहतर रहेगा। और राइड करते समय इस बाइक का सीटिंग पोस्चर मुझे काफ़ी बेहतर लगा। मैंने इसे करीब 55 km/h के स्पीड में ब्रेक लगा के देखा था, और मैंने देखा कि इसमें जो ब्रेकिंग सिस्टम है काफ़ी अच्छी तरह काम कर रहा था। आप देख रहे हैं इसके फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक के साथ इसमें CBS कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। सस्पेंशन भी इस बाइक का काफ़ी बेहतर है, फ्रंट में आप देख रहे हैं टेलीस्कोपिक फोर्क, रियर में मोनोशॉक है, और मुझे सिटी में राइड करते समय इस बाइक का सस्पेंशन भी काफ़ी बेहतर लग रहा था। हाईवे में लेके जाएंगे तब मैं हाईवे की बात करूंगा। तो आज का वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, बस आपको इतना बोलना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल में इस बाइक का अब नेक्स्ट वीडियो CNG का माइलेज टेस्ट वीडियो देखने वाले हो सिटी का, और हाईवे में जब मैं इस बाइक का माइलेज टेस्ट करूंगा CNG में तो क्या स्पीड रखूंगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और CNG 125 इस डिस्पेरेंट का हमारे जमशेदपुर का ऑनरोड प्राइस है 1,32,000 रुपीज। और बताना चाहूंगा कि अगर आप न्यू वे बजाज से इस बाइक को लेते हैं तो इस बाइक के साथ दोस्तों आपको 10 kg का CNG का कूपन फ्री में मिलने वाला है, साथ ही एक हेलमेट भी मिल जाएगा। और बोलना चाहूंगा कि अगर आप जमशेदपुर इसके आसपास से हैं और अपने लिए फ्रीडम 125 इस बाइक को लेना चाहते हैं तो आज ये न्यू वे बजाज में शोरूम कैटेगरी कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। साथ ही मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके शेयर करें, और चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के और नए वीडियो आप तक पहुंच सके।